आफ्टरनून, अभी टाइम हो रहा है 12:30 PM। आज मैं दोपहर से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी बस मैं नहा के आई, जस्ट अभी नहा के, सुबह सुबह थोड़ा बहुत काम किया, ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा काम किया, उसके बाद नहा के आ गई। अभी मैं लंच बनाऊँ। आज एक्चुअली मेरे हस्बैंड घर पे है, घर पे मतलब ऑफकोर्स काम ही कर रहे हैं, छुट्टी नहीं लिया, जस्ट वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं कुछ स्पेशल बनाऊँ, और स्पेशल में मैं बनाने जा रही हूँ, स्पेशल तो है बट वो मेरा फेवरेट है, वो है चाइनीज़। मैं आज एक एग के साथ, चिकन नहीं है सो एग के साथ मैं वेज नहीं, एग फ्राइड राइस बनाऊँगी विद वेजिटेबल्स, एंड साथ ही साथ मैं प्रॉन्स है, प्रॉन्स, चिली प्रॉन्स बनाऊँगी। तो मैं नहाने जाने से पहले ना एवरीथिंग, मतलब जो भी कटिंग चॉपिंग होता है, प्रॉन्स मैरिनेट होता है, फ्राइड राइस का राइस बनाना, वो सब कुछ करके मैं देन ही नहाने गई हूँ। तो अभी सिर्फ फटाफट कुकिंग करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। तो दरवाज़ा खोल, एक मिनट। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कुकिंग। तो यहाँ पे मैंने गैस में सबसे पहले एक पैन में ऑयल ऐड कर दिया, वाइट ऑयल से मुझे यहाँ पे कुकिंग करना है, ऑफकोर्स चाइनीज़ कुकिंग है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉन्स को पहले से मैरिनेट करके रखा है, ये प्रॉन्स के अंदर मैंने ऐड किया हुआ है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, सोया सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर, दैट्स इट। अभी मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करके मिक्स करके जस्ट इसको फ्राई कर लूँगी, और हाँ इसमें मैंने थोड़ा सा वाइट ऑयल भी ऐड किया था। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रॉन्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है, और अभी मैं उसी पैन में थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑयल ऐड किया है। अभी मैं इसमें ऐसे कट किया हुआ, थोड़ा बड़े बड़े ऐसे क्यूब्स कट किया हुआ प्याज और कैप्सिकम ले लिया, और थोड़ा सा ग्रीन चिलीज भी लिया। इन सबको अच्छे से फ्राई करना है, उसके बाद थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो सॉस, जो भी सॉस मतलब डालते हैं चाइनीज प्रिपरेशन में, वो सब डालना है। देन थोड़ा पानी में मैं कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके इसमें ऐड करूंगी ताकि ग्रेवी थोड़ा थिक हो, उसके बाद मैं प्रॉन्स को इसमें ऐड कर दूंगी। You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors. बड़े से एक पॉट में मैं फ्राइड राइस बना लूंगी, और इसमें ही मैंने एक एग को थोड़ा सा एग भुर्जी बना के अलग से निकाल के रखा है। अभी इसमें व्हाइट ऑयल ऐड किया है, इसमें मैं एक के बाद एक सारे वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। और अभी मैं यहाँ पे फाइनली चॉप अनियन एंड फाइनली चॉप गार्लिक ऐड कर दूंगी। सारे वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दूंगी, और वेजिटेबल्स आप लोग अपने चॉइस का ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ स्वीट कॉर्न, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जुकिनी लिया है, और थोड़ा सा मैंने कैबेज लिया है। एक्चुअली कैरेट भी लेना चाहिए था बट मेरे पास कैबेज नहीं है, सॉरी कैरेट भी लेना चाहिए था बट मेरे पास आज कैरेट भी नहीं है, बट कैरेट डेफिनेटली ऐड कीजिएगा, फ्राइड राइस में कैरेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for my. So guys, आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है, और अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और इसमें मैं 2 teaspoon सोया सॉस ऐड करूंगी। और 1 teaspoon मैं यहाँ पे चिली विनेगर ऐड कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स करना है। और अभी मैं इसमें जो मैंने पहले से राइस बना के रखा था वो ऐड कर दूंगी, और एकदम एंड में मैं इसमें थोड़ा सा एग भुर्जी ऐड करूंगी। अगर आप वेजिटेरियन है तो जस्ट एग को मत ऐड कीजिएगा। Save my world on fire.
don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. Hey guys, तो अभी हम लोगों का लंच हो गया. आज थोड़ा सा लेट हो गया, बट ठीक है, कोई ना, कभी कभार लेट होता है. और खाना बहुत ज़्यादा यम्मी था. चाइनीज मैं जनरली बनाती रहती हूँ, बट ये वाला इतना टेस्टी. मैंने चिली प्रॉन कभी नहीं, पहले भी एक बार बनाया था, बट वो शेयर नहीं किया था. आज का बहुत यम्मी था, एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना. अगर आप वेजिटेरियन है तो फ्राइड राइस आप ऐसे ही बनाना सिंपल, सिर्फ लास्ट में वो एग का जो भुर्जी है वो मत ऐड करना, दैट्स इट. और आप प्रॉन्स के जगह पनीर के साथ भी बना सकते हैं. मैं पहले भी एक बार बनाया था वेज फ्राइड राइस एंड चिली पनीर. तो मुझे कोई तो वीडियो पर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, काफी टाइम पहले का. अगर वो वीडियो का लिंक मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग एक बार जरूर चेक कर सकते हैं. अभी थोड़ा सा हम सोएंगे और मेरा नेल पेंट जो है वो मैं रिमूव करने वाली. उस दिन मैं बहुत सारे नेल पेंट लाई हूँ, तीन शेड्स शायद, हाँ तीन चार शेड्स लाई थी. तो उसमें से कोई एक शेड में आज अप्लाई करके देखने वाली हूँ कि कैसा लगता है. तो अभी फिलहाल नेल पेंट रिमूव करके देन थोड़ा सा सो जाऊंगी. उसके बाद शाम को उठ के मैं आप लोग के साथ फिर से बात करती हूँ. You just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You said my. अच्छा लग रहा है काफी, इतना खराब नहीं लग रहा है कलर. मुझे लग रहा था बहुत अजीब लगेगा, पर अच्छा ही लग रहा है, आप देख सकते हैं. थोड़ा अलग अलग कलर ट्राई करना चाहिए, रेड पिंक थोड़ा बोरिंग लगता है. तो मुझे वो जो लाइम कलर है वो भी काफ़ी पसंद है, और ये वाला स्काई ब्लू भी अच्छा लग रहा है. और इस बार मैं एक डार्क पिंक कलर भी लिया है, वो भी काफ़ी अच्छा है. तो एनीवेज रेडी हो गया मेरा नेल पेंट, और अभी मैं थोड़ा सा सो जाऊंगी. उसके बाद उठ के शाम को फिर से आप लोग के साथ बात करूंगी. गाइस गुड इवनिंग. और अभी जस्ट हम लोग सो के उठे, मैं वैसे अभी तक उतरी भी नहीं हूँ, तो पहले सोचा कि वीडियो मैं शुरू कर दे. काफी देर तक सोया, अभी ऑलमोस्ट 7:30 हो गया है. अच्छा लगा सो के. मेरा फेस देख के लगी रहा ना, बहुत देर ज्यादा सो गए, पर ठीक है. और मेरा नेल पेंट काफी अच्छा लग रहा है, स्काई ब्लू कलर का है. ठीक से फोकस नहीं करता है, लाइट जब कम होता है ना तब मेरा कैमरा ठीक से फोकस नहीं करता है. मैं दिखाने का बहुत ट्राई करी, छुरी बाद में दिखा दे मुझे फोकस करे. और बेड तो ऐसे ही हालत में है. तो चलिए अभी फिलहाल उठते हैं और कुकिंग वगैरह करना पड़ेगा ना. मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं पहले कॉफी पी लेती हूँ, कॉफी पीने के बाद ही कुकिंग करती हूँ. पूछती हूँ मेरे हस्बैंड से उनको कॉफी पीना है या नहीं. तुमको कुछ पीना है कॉफी वगैरह? पी लिया. ओ अच्छा, तो मैं थोड़ा लेट उठू, तो मैं सोचू एक कप कॉफी पी लेती हूँ, उसके बाद कुकिंग करती हूँ. और आज कुकिंग दोपहर का थोड़ा सा खाना है, ठीक है, वो मेरे हस्बैंड खा लेंगे. और मैं अपने लिए थोड़ा सा चिकन स्ट्यू एंड राइस बनाने वाली, बहुत ही सिंपल खाना, इजी टू मेक एंड हेल्दी भी है. बहुत आज दोपहर को इतना हैवी खाया था ना, अभी एकदम कुछ लाइट खाने का मन हो रहा है, तो बस वही बना लेंगे, हो जाएगा. तो चलिए मैं फिर से आप लोग के साथ बाद में बात करती हूँ. Get some sun, baby, it's time to go. Let's get louder.
जल्दी मैं किचन में आ गई कुकिंग करने के लिए, फटाफट मैं कुकिंग कर ले तो बहुत जल्दी हो जाएगा 10-15 मिनट में। तो कुछ डिटेल शेयर नहीं करने वाली हूँ कुकिंग का, क्योंकि क्या ही शेयर करूँ, बहुत सिंपल है सब। वेजिटेबल्स चिकन को थोड़ा मैरिनेट करके ऑयल में, हल्का सा ऑयल में फ्राई करके पानी डाल के कुकर में कुक कर लो, बस हो जाएगा। डिनर करने वाले हो, डिनर ले लिया है तो जल्दी से खा के फिर से मैं आप लोग के साथ बाद में मिलती हूँ। और हाँ, अभी मैं दिखाती हूँ, मैं कब से दिखाने का ट्राई कर रही हूँ बट कैमरा मेरा फोकस हाँ अभी किया, देख सकते हैं ये नेल पेन बहुत मुझे पसंद आ रहा है ये कलर। अभी हम लोग डिनर कर लेते हैं।